असद अनिल के बाद अब किसका एनकाउंटर करना चाहती है यूपी पुलिस। पिछले 4 सालों से यूपी पुलिस को चकमा दे रहा बदन सिंह बद्दो क्या पकड़ा जाएगा? आखिर उम्र कैद की सजा काट रहा बद्दो पुलिस की गिरफ्त से कैसे हुआ था फरार? क्या यूपी एसटीएफ का अगला निशाना होगा बदन सिंह बद्दो? यूपी की योगी सरकार इन दिनों माफिया डॉन और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। योगी सरकार के निशाने पर माफिया डॉन तो हैं ही, साथ ही उनका अवैध रूप से अर्जित की गई बेहिंता संपत्ति भी सरकार के निशाने पर है। पिछले दिनों यूपी पुलिस ने 63 माफियाओं की एक लिस्ट जारी की थी। इनमें से एक गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो मेरठ का यह बदमाश पिछले 4 सालों से फरार चल रहा है और यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अब यूपी पुलिस उसके इनाम की राशि को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की तैयारी कर रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है माफिया डॉन बदन सिंह बद्दो और यूपी पुलिस के चंगुल से कैसे हुआ फरार। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदन सिंह बद्दो ने 1988 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। उसने साल 1996 में एक वकील की हत्या कर दी थी। इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साल 2011 में उसने मेरठ जिला पंचायत के सदस्य संजय गुर्जर को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद साल 2012 में उसने एक केबल नेटवर्क के संचालक पवित्र मैत्रे को मार डाला था। बद्दो के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भी इनाम घोषित कर रखा है। बदन सिंह बद्दो पर हत्या, रंगदारी वसूली जैसे गंभीर धाराओं में 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। दरअसल 28 मार्च 2019 को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से गाजियाबाद कोर्ट में एक हत्या मामले में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान 6 पुलिस वालों को चकमा देकर वह फरार हो गया था। सोशल मीडिया पर एक्टिव बदन सिंह बद्दो को पिछले दिनों विदेश में होने की तस्वीरें भी सामने आई थी। इस मामले में ये भी कहा जाता है कि बद्दो ने पुलिस वालों को शराब पिलाकर धोखे से फरार हो गया था। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से यूपी की योगी सरकार माफियाओं पर सख्त हो गई है। पहले यूपी एसटीएफ ने उमेश पाल के हत्यारों को एनकाउंटर में मार गिराया, फिर अनिल दुजाना का एनकाउंटर कर सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का परिचय देने की कोशिश की है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक यूपी पुलिस की रडार में अब मेरठ का माफिया डॉन बदन सिंह बद्दो है। यही वजह है कि यूपी पुलिस उसके इनाम की राशि डबल करना चाहती है। तो ये थी माफिया डॉन बदन सिंह बद्दो पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।